क्योंकि आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, हमारी संस्था द्वारा, पूर्व की भांति जैसे हम कार्यक्रम करते आए, आज भी वरिष्ठ नागरिकों को और बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित करने का कार्य करा गया, उसमें जिसमें करीब 30 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया, साथ में उनके साथ बैठ के शहर की बेहतरी के लिए विचार विमर्श हुए और एक आपसी प्रेम बढ़ाने की एक बात हमने आगे रखी, जिसको सबने मिलकर बहुत बहुत प्यार से आगे बढ़ाया और साथ मिलजुल कर आज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। आगे जनरेशन गैप आ रहा है, मसूरी में भी आज 4 जनरेशन एक साथ एक घर में रहती हैं, जो बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कई बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते हैं, कई कारणवश नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से और यही कामना करते हैं और साथ में सबको ये सीख देते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों ने आज आकर अपने पुराने 1973-1960 के किस्से सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा, सीखने को मिला और ऐसा लगा कि पहले आपसी मतभेद कम थे, प्रेम ज़्यादा था आज के युग के मुकाबले। मुस्लिम भाई भी आए, हिंदू भाई भी आए और सब ने मिलकर, ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम भाइयों ने भी ओम नमः शिवाय जैसा पाठ करना चाहा और हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों से मिलकर आज का पूरा कार्यक्रम निभाया और जिसकी सफलता सभी मुस्लिम वासियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है।